सभी को जय श्रीनिंद्र। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन मंदिर के बारे में। अब मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हॉस्पिटल बनवा दो और लाइक बहुत सारे काम करा दो, ये मंदिरों की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। और बात सही भी है कि भाई मंदिरों की क्या आवश्यकता है, क्यों इतना खर्चा करना, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना मंदिर में जाके। कई लोग ये भी कहते पाए जाते हैं कि भाई अच्छे कर्म करो, मन में ही भगवान होते हैं, अपने अंदर ही भगवान है। बिल्कुल है, मान लिया आपकी बात, लेकिन उसके अलावा भी एक अलग साइड है इसकी, वो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो नीड ऑफ जैन मंदिर, उसके पहले हम पढ़ेंगे कि नीड ऑफ जैन प्रतिमा, उस प्रतिमा की आवश्यकता क्या है, क्या हो जाएगा उस प्रतिमा से। तो वो प्रतिमा जहाँ विराजमान होती है उसको क्या बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं। अब वो प्रतिमा है क्या, बेसिकली वो प्रतिमा इज लाइक अ मिरर, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इज लाइक अ मिरर, एक दर्पण के समान होती है। जिस प्रकार कैसे हम मिरर में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे पे लगे दाग धब्बे वगैरह सभी दिख जाते हैं ना, तो सेम ऐसे ही उस प्रतिमा को देखने से हमें अपने अंदर का राग द्वेष, जो भी हम मायाचारी गंदी चीजें करते हैं ना, वो हमें सब उससे हमें रिफ्लेक्ट होती है। हमें ऐसा लगता है ओहो आप हमारे भगवान हैं और हम किन पाप कार्यों में पड़े हुए। तो इस तरीके का जो हमारे अंदर से एक भाव उत्पन्न होता है, इसके लिए वो जिन प्रतिमा की आवश्यकता होती है। ऑब्वियसली आप घर में बैठे आप कह लो हम तो हमारे तो मन में भगवान है, घर में बैठे टीवी देखते देखते कभी दिमाग में आएगा क्या कि हे भगवान हम कौन से पाप कार्यों में लिप्त हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सारे कार्य छोड़े हैं, इसलिए वो हमारे दिमाग में भी रिफ्लेक्ट होंगे कि आपने छोड़ दिए, हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद एक और बात कहते हैं महाराज जी कि जिस तरीके से हम यदि किसी रेसलर को देखें, पहलवान को देखें, तो हमें ऐसा लगता है ना नहीं नहीं हमें इसके जैसे बनना है। कोई हम एथलीट को देखते हैं हमें ऐसा क्या लगता है, अब तो देश के लिए गोल्ड मेडल अगला मैं ही लेके आऊंगी। डॉक्टर को देखते तो ऐसा लगता है यार डॉक्टर बन जाते हैं, उसमें तो बहुत पैसा है, छोटे बच्चों का ज्यादातर होता है, जिसको देखते हैं उसके जैसा बनने का मन करता है। इसलिए भगवान की जब हम प्रतिमा को देखते हैं तो हमारा ऐसा मन करता है कि हे भगवान जिस तरीके से आपने ये सारे कार्य छोड़ दिए उसी तरह मैं भी छोड़कर आपकी तरह बन पाऊं। ये लॉजिक है उस जिन प्रतिमा का। ठीक है, इसके बाद अब आती है कि मंदिर की क्या जरूरत है। भाई मन में ही मंदिर है, ये बात तो सही है, मन में ही मंदिर है, लेकिन वो किसके लिए है ये मैं आपको बताती हूँ। तो जब हम दिन भर गृहस्थ जो होता है, मतलब आप और हम दिन भर पाप कार्यों में रहते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, बुरा मान गए, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ ये सब करते रहते हैं, तो अब एट लास्ट उस सबसे हटके हमें एक ऐसा स्थान तो चाहिए ना जहाँ पे जाके हम शांत हो सके, इन सारे पाप कार्यों से थोड़ा सा दूर हो सके, इनके बारे में सोच सके और अपने आप को अपने अपना कह सकते हैं हम आकलन कर सकें, एक इवेल्यूशन कर सकें अपने कि हम किस राह पे जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है। तो उन सब अपने अपने आप को जो है उन चीजों को सोचने के लिए हमें क्या होती है, मंदिर की आवश्यकता होती है। अब कहते हैं कि भाई मन में ही मंदिर है, मान लो अब एक बार एक ने मुझसे पूछा, बोले आचुश्री जी कहीं विहार करते मान लो नहीं मिले तो वो कौन सा मंदिर जाते हैं? नहीं जाते हैं, क्यों? उनके लिए आवश्यकता भी नहीं है। क्यों नहीं है? तब शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो महाराज जी वगैरह होते हैं जिन्होंने अपने सारे परिग्रह का त्याग कर दिया है, हर प्रकार के पाप कार्यों का त्याग कर दिया है, तो उनका तो वैसे ही विचार इतने शुद्ध हो गए, उनकी तो वैसे ही पाप कार्य नहीं होते हैं, तो वो चाहे तो वो अपने मन में भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं, उनके लिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन इफ वी आर जैन तो हमारा पहला कर्तव्य है देव दर्शन, जो कि हमें करना चाहिए। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम वापस मिलेंगे कुछ और नए छोटे छोटे लॉजिक्स के साथ, और तब तक देखते रहिए जैन पाठशाला भाई शिवानी। सभी को जय जिनेंद्र।